ये अंधा कानून है, अभी शायद नहीं कहा जाएगा। डीवाई चंद्रचूड़ जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने जो न्याय की देवी यानी लेडी ऑफ जस्टिस, इनकी जो मूर्ति थी आंख पर काली पट्टी बांधे और एक हाथ में तराजू लिए हुए, तो वो अब काली पट्टी हटा दी गई। इसके पीछे तर्क डीवाई चंद्रचूड़ साहब का ये है कि कानून बंधा नहीं है, कानून की नज़रों में सब है, कानून सब देखता है, ऐसा इन्होंने कहा है। क्या जो इसमें संशोधन हुए देखते हैं, दाएं हाथ में जो समाज में बराबरी का प्रतीक जो तराजू था वो तो एज इट इज़ रखा गया, लेकिन आंखों पर जगह, इस जगह जो काली पट्टी थी वो अब नहीं है, आंखों पर जो काली पट्टी थी अब उसको हटा दिया गया है। अब जो रंग था मूर्ति का वो सफ़ेद रंग की है, जो सफ़ेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है, लेकिन बाएं हाथ में तलवार की जगह अब संविधान की किताब रख दी गई है। ये अच्छा कदम है, संविधान की किताब, ताकि याद रहे कि ये देश, ये कानून संविधान के हिसाब से चलेगा। ये बदलाव हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, न्याय की देवी की नई मूर्ति आंखों से पट्टी हटी है, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब रख दी गई है। तो आप इस संशोधन से, इस बदलाव से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या आंख पर से काली पट्टी हटा देने से क्या सच में कानून अंधा नहीं रहेगा? क्या सच में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा? क्या सच में तीव्रता से सभी को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ साहब 11 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, अपनी सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, और इन्होंने अपना जो नाम है, अगले अपने उत्तराधिकारी का नाम कहें, अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम जो सिफारिश की है वो संजीव खन्ना की है, जस्टिस संजीव खन्ना की। तो देखते हैं क्या जस्टिस संजीव खन्ना ही होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इस बदलाव की बात आप किस तरीके से लेते हैं? क्या तलवार की जगह संविधान रख देने से ये संविधान के हिसाब से देश सच में चलेगा या फिर नहीं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।